परियां, ये कहानी ज्यादा कदीम अरसे की नहीं है। ये नन्ही चार बहनों की है, मैग, जो, बेथ और एनी। एक छोटे से गांव में इनका एक छोटा सा घर था। उनके वालिदैन बहुत गरीब थे और इसीलिए ये चारों बहनें अपने वालिदैन से कभी किसी चीज की तमन्ना नहीं करती थी। मैग जवान, खूबसूरत और बहुत समझदार थी। जो कि सुनहरे बाल थे और वो बहुत होशियार थी, इसीलिए कहानीकार बनना चाहती थी। बेथ शर्मीली थी, नाजुक और जमील थी। और एनी सबसे छोटी थी। वो सभी बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। इन सभी का आपस में बहुत मजबूत रिश्ता था। गांव वाले इन बहनों की जहानतदारी की तारीफ किया करते थे और इन्हें नन्ही परियां कहकर बुलाते थे। एक दिन उनके घर एक सिपाही उनके वालिद को लेने के लिए आया, क्योंकि वहां के रहवासियों में मुल्की जंग शुरू हो गई थी। मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूं। आपको जल्दी हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि मुल्क में जंग छिड़ गई है। मेहरबानी करके तैयार हो जाइए। सारा परिवार ये खबर सुनते ही गमजदा। अब्बा जान, आप मेहरबानी करके मत जाइए। नहीं मेरे बच्चों, मुझे जाना ही होगा। अपने मुल्क की हिफाजत करना मेरे लिए फख्र की बात है। अब जल्दी आना अब्बा जान। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अब तुम सब रोना बंद करो। मैं इनका ख्याल रखना। हाँ अब्बा जान। ये कहकर उनके अब्बा उस सिपाही के साथ चल दिए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब अब्बा जान नहीं लौटे तो परिवार के हालात खराब हो गए। उनके पास राशन लाने तक को पैसे नहीं। मैग, मैं तुम सबको पाल सकूं इतना कमाने की कोशिश कर रही हूं, पर बहुत मुश्किल हो रहा है। फिक्र ना करें अम्मी जान, कुछ ही दिनों की बात है। एक बार अब्बा जान आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक न जाने क्या होगा, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लड़ाई क्यों होती है, इससे क्या मिलेगा? हो जाइए अम्मी जान। एक दिन फौज से उनके नाम एक खत आया जिसमें लिखा था। क्या बात है मैग? इसमें अब्बा जान के बारे में लिखा है। वो जंग में पूरी तरह जख्मी हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है और उनके साथ किसी को होना चाहिए ताकि वो उनका ख्याल रख सके। तब तो मुझे जल्दी जाना होगा, पर कैसे? मेरे पास तो जाने के पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? फिक्र ना करें अम्मी जान, आप बस जाने की तैयारी करिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जो घर से बाहर गई और जब वो लौटी तो उसके हाथों में पैसे थे। ये लीजिए अम्मी जान, इतने काफी होंगे ना? पर इतने सारे पैसे कहाँ से लाई जो? मैंने अपने सुनहरे बाल बेच कर पैसे कमाए। तो, तुमने अपने खूबसूरत बाल बेच दिए? कोई बात नहीं अम्मी। लेकिन जो, हम कुछ और भी कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों किया? फिक्र मत करो, फिर से उगाएंगे। जो रात भर सो नहीं पाई, वो खामोशी से अपने बिस्तर पर रोती रही। तभी देर रात मैग आई और उसने उसके कंधे को सहलाया। जो ये जानने के लिए उठी कि वो कौन था। जब उसने देखा कि मैग उसके पीछे बैठी थी तो वो उससे लिपटकर रोने लगी। चुप हो जाओ जो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। जब उनकी अम्मी अस्पताल चली गयी तब चारों बहनों ने घर की बागडोर संभाल ली। वो सारा काम करने लगी, सफाई करना, खाना बनाना और साथ साथ मौज मस्ती भी। एक दिन बेथ बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आ गया, वो ठंड से कांपने लगी। तीनों बहनों ने उसकी बहुत देखभाल की, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। सभी बहनें परेशान हो गईं। हमें अब डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हम डॉक्टर को तो बुला लेंगे, लेकिन डॉक्टर की फीस कैसे देंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। पिग्गी बैंक में कुछ पैसे हैं। कुछ नहीं होगा, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। और इसकी फीस? इस समय बेथ का ठीक होना जरूरी है। इन बर्फीला मौसम था और जो परवाह किए बिना जैसे तैसे डॉक्टर के घर पहुँची। उसने सारी बातें दरियाफ्त की। डॉक्टर ने उसकी बात सुनी और घर आ गए। मैंने इसकी ठीक से जांच की है, इसे मामूली बुखार है। परेशानी की कोई बात नहीं, जल्दी सेहतयाब हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है, मगर डॉक्टर अंकल। लेकिन क्या? बात ये है कि। बोलो बोलो, क्या बात है? डॉक्टर साहब, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है,
मैं शर्मिंदा हूँ, पर क्या आप फिर भी इलाज करोगे? अच्छा तो ये बात है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इसका इलाज जरूर करूँगा, ये मेरा फर्ज है। पैसे तो मैं बाद में ले सकता हूँ जब तुम्हारे वालिदैन वापस आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर ने बेथ के लिए कुछ दवाइयाँ दी और बहनों ने उसका अच्छी तरह से ख्याल रखा। बेथ धीरे धीरे ठीक हो रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी। अम्मी की याद आ रही है, कहाँ हो अम्मी जान? मेहरबानी करके जल्दी आ जाओ, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, घर वापस आ जाओ। बेथ हौसला रखो, रो मत, अम्मी जान वापस आ जाएगी, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ, हम अम्मी को खत लिखेंगे। हाँ हाँ, अम्मी जल्दी आ जाएंगी। और उसी वक्त उनकी माँ ने घर में कदम रखा। सभी बहनें माँ को देखकर बहुत खुश हुई। अम्मी जान, मेरी बच्चियों, तुम सबको देखकर खुशी हुई, कैसे हो तुम सब? बेथ भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई। देखो बेथ, मम्मी आ गई, अब तो खुश हो ना? इसके बाद माँ ने बेथ की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। कुछ ही दिनों में बेथ सेहतयाब हो गई। और जब जाड़े का मौसम बढ़ गया तो मैग को अपने परिवार के लिए तरह तरह की सोच होने लगी। अम्मी, अब्बा वापस कब आएंगे? उन्हें बहुत गहरा जख्म हुआ था, उनकी एक टांग भी टूट गई थी, पर वो अब खतरे से बाहर है और यहाँ कभी भी आ सकते हैं। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। अब अब्बा जान की बहुत याद आती है। मैं समझ सकती हूँ मैग, ऐसे दौर से जिंदगी में कोई भी ना गुजरे। ऐसा मत कहो अम्मी, ऐसे मुश्किल घड़ी से ही तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। यानी किसी भी मुसीबत के वक्त हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सामना करना चाहिए। तुमने सही कहा मैग। कुछ ही दिनों में क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। माँ और मैग ने किसी तरह क्रिसमस ट्री लाकर अपना घर सजाया, लेकिन नन्ही एनी को तो तोहफा चाहिए था। मुझे इस साल क्रिसमस में एक नया ड्रेस चाहिए, मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल जाए। मुझे एक बड़ा सा पियानो चाहिए। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है मैग? मैं चाहती हूँ कि क्रिसमस के इस त्योहार पर सभी खुशियाँ मनाएं। क्या खूब बात कही मैग। क्रिसमस के त्योहार पर सभी उदास थे, क्योंकि किसी की भी विश पूरी नहीं हुई थी। वो सभी परेशान थे, पर उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उनके पास नाश्ते के भी पैसे नहीं थे। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हाँ? हाँ? कौन हो सकता है? कौन है? कौन है? मैं जाकर देखती हूँ। नहीं रुको मैग, रुक जाओ। दरवाजा तूफानी हवा से अपने आप खुल गया और देखा कि सामने उसके वालिद खड़े थे। सभी लड़कियाँ दौड़कर अपने वालिद से लिपट गईं। बचाओ। ओह मेरी नन्ही परियों, मैंने तुम सबकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस किया। ये क्रिसमस का सबसे प्यारा तोहफा था। अपने अब्बा को अचानक देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और क्रिसमस का त्योहार मजे से मनाया।